अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बिजनेस की बिल्डिंग के हवाले से। व्यूअर्स, अक्सर बिजनेस को मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए देखा है कि वो ये कहते हैं कि यार, जब हमारे बिजनेस के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, यानी वो डोली से बाहर निकल आते हैं, और जब उनको हम सेपरेट कर देते हैं, तो जब सेपरेट कर देते हैं तो दूसरे केज में वो मर जाते हैं। यानी अक्सर जो हमारे बिगनर्स हैं उनसे मैंने ये प्रॉब्लम देखा है। तो व्यूअर्स, बेसिकली इस प्रॉब्लम की वजह ये होती है कि जब हम अपने बच्ची के चिक्स को जब पेरेंट्स से अलग कर देते हैं, तो हम उनको अलग करने में थोड़ी जल्दी करते हैं। यानी अभी वो सेल्फ नहीं हुए होते, वो दिखाने के लायक नहीं हुए होते, तो पहले ही हम उनको पेरेंट्स से अलग कर देते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, और बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो बजीज के चिक्स हैं उनको सेल्फ पर लाकर फिर सेपरेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपके सामने मैं एक पेयर दिखा रहा हूं आपको। इस पेयर का देखें, ये सामने आपको मेल नज़र आ रहा है। ये पेयर जो है वो इसका ये मेल है। अब ये जो मेल है, इसने ब्रीड की और इसने 5 बच्चे निकाले। ये सामने आपको नीचे बच्चे नज़र आ रहे हैं जो खुद से खाने की कोशिश कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, हुआ क्या कि इस मेल ने जब 5 बच्चे ये अभी सेल्फ नहीं हुए थे, तो इनकी जो फीमेल है, यानी इस मेल की जो फीमेल है और इन पट्ठों की जो माँ थी, वो उसने उनको मारना शुरू कर दिया। यानी कि वो दोबारा अंडे देने के लिए इनको केज से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन ये बच्चे अभी सेल्फ नहीं हुए। अब अगर मैं इन बच्चों को अलग दूसरे केज में रख देता हूँ, तो वहाँ ये बच्चे सारे मर जाने थे। तो व्यूअर्स, मैंने किया ये कि अलग से एक बड़ा बर्तन लिया, थोड़ा बड़ा बर्तन लिया, जिसमें कि ज़्यादा दाना आ सके और ये सब उसमें इकट्ठे बैठ कर दाना चुग सके। तो व्यूअर्स, अब मैं हमेशा अपने जो बर्ड्स हैं या अपने बजीज के पेड़ हैं, उनके जो बच्चों को सेल्फ करने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ। इससे होता क्या है कि नीचे बच्चे उस बर्तन के अंदर भी बैठे रहते हैं, और उस बर्तन के अंदर मैं दाना डाल देता हूँ, तो वो बच्चे एक तो ये कि उस बर्तन के अंदर बैठे रहते हैं और खाने की कोशिश करते रहते हैं। तो व्यूअर्स, अब ये जो इनका जो फादर है, यानी ये जो मेल है, ये भी इनको किसी किसी टाइम खिलाता है, लेकिन क्योंकि ये अकेला है तो ये इनको इतना ज़्यादा फीड नहीं करवाता। लेकिन अब अगर मैं इन बच्चों को अभी से अलग कर देता हूँ, यानी कि इनको मैं सेपरेट केज में रख देता हूँ, तो वहाँ एकदम जब ये दूसरे केज में जाएंगे और न्यू एनवायरनमेंट देखेंगे, तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे और ये बिल्कुल खाना छोड़ देंगे। तो मैंने क्या किया कि इनकी जो फीमेल थी, यानी इनकी इन बच्चों की जो माँ थी, उनको सेपरेट कर दिया, उसको अलग कर दिया, क्योंकि वो इनको मार रही थी अब, तो उसने तो इनको फीड करवाना नहीं था। और मेल को मैंने इनके साथ रखा हुआ है, और साथ ही मैंने क्या किया कि इन सबको इस बर्तन के बाहर बर्तन है ये रख के इसमें दाना डाल दिया, और अब ये सारा दिन इस बर्तन में ही बैठे रहते हैं। और जिस टाइम भी इनको भूख लगती है, तो किसी टाइम ये अपने फादर से दाना मांगते हैं, अगर वो खिला दे तो ठीक है, नहीं तो ये खुद खाने की कोशिश करते हैं। अब होगा क्या कि 2 से 3 दिन तक ये इसी में खुद खाने की कोशिश करते रहेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये खुद खाना भी सीख जाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं तो अपने जितने भी बच्चीज़ के पेड़ हैं उनके सबके लिए यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने इसी साइज़ के बर्तन लिए हुए हैं, काफ़ी सारे बर्तन लिए हुए हैं, और जो भी मेरे बच्चीज़ के पट्ठे जो है सेल्फ होने वाले होते हैं, मैं उस पेड़ के केज में ये रख देता हूँ, इसमें दाना डाल देता हूँ, तो जब बच्चे डोली से बाहर आ जाते हैं तो इसी बर्तन में बैठे रहते हैं और खाने की कोशिश करते रहते हैं। उससे होता क्या है कि जैसे ही बच्चे डोली से बाहर आते हैं, तो विद इन 2 to 3 डेज जो हैं वो बच्चे खुद ब खुद खाना सीख जाते हैं, और जब मैं उनको सेपरेट करता हूँ तो वो मरते भी नहीं हैं। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है, मैं दिखा रहा हूँ। इस मेल की जो फीमेल है वो मैंने अभी सेपरेट की है, इसलिए वो आपको केज में नहीं कहीं भी नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके ये सारे बच्चे हैं जो नीचे खा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको और भी पेड़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये एक और पेड़ के बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो सामने बैक साइड पे जाली पे जो चिंता हुआ है, वो जो है इनका फादर है, यानी मेल है, और फीमेल ने अभी दोबारा से एग लेकर दिए, वो बॉक्स के अंदर है। तो व्यूअर्स, अब देखें, ये बच्चे जो हैं ये भी अभी जो है वो सेल्फ नहीं हुए थे जब ये बाहर आ गए, और इनकी जो मदर थी उसने दोबारा से अंडे दे दिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने केज में ये बर्तन रख दिया, जो बर्तन मैंने दूसरे केज में रखा हुआ था, जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया, उसी तरह का बर्तन जो है मैंने इसी केज में रख दिया। अब होता क्या है कि इस केज में मैं इस जो बर्तन में मैं दाना डाल देता हूँ, और बच्चों को जब भी खाना होता है, तो वो ईजीली इस बर्तन में आकर बैठे रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खाना खाते रहते हैं। अब अगर तो मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ, यानी जब इनकी जो मदर थी उसने दोबारा अंडे क्योंकि दे दिए, अब वो उनको फीड नहीं करवाती, तो अगर मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ तो ये बच्चे मर जाते, तो उसका भी कोई फ़ायदा ना होता। इसलिए मैंने क्या किया कि ये बर्तन रख दिया। अब ये
अब ये तकरीबन सेल्फ हो गए हैं। देखिए इनको मैंने दो तीन दिन पहले ये बर्तन रखा था और आहिस्ता आहिस्ता होते होते अब ये सेल्फ हो गए हैं। और अगर मैं अभी इनको इस स्टेज पर सेपरेट भी कर दूँ तो इनको इतना इश्यू नहीं होगा, क्योंकि अब ये सेल्फ फीडिंग पे आ गए हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग इस टेक्निक को यूज़ करेंगे और अपने जो कीमती बर्ड्स हैं उनकी जानें बचा लेंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए डिस्कस करने की कोशिश की है क्योंकि अक्सर बिजनेस को और अक्सर शौकीन हज़रात को मैंने देखा है कि वो ये शिकायत करते हैं कि यार बिल्कुल ठीक ठाक बच्चे होते हैं और जब हम उनको अपने पेरेंट्स से अलग करते हैं तो वो अगले दिन मरे हुए उनको नज़र आते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि जब वो सेल्फ फीडिंग से अभी नहीं आए होते तो उनको सेपरेट कर दिया जाता है और वहाँ जो है ज़ाहिर है कि वो न्यू केज में बिल्कुल ही डिस्टर्ब होते हैं, तो वो वहाँ बिल्कुल ही खाना खाना छोड़ देते हैं और वो मर जाते हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।